टू लास्ट सेशन में हम लोग ने डिस्कस किया था कि दो तीन तीन चार थेरेपीज डिस्कस किए थे, तो उसमें से अफर्मेशंस और टच थेरेपी मैंने डिसाइड किया था कि मैं इन दोनों के लिए करूँ। तो जब स्टार्ट हुआ था तब मैं थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट थी, बट लास्ट वीक से मैं फुल कंसिस्टेंटली कर रही हूँ और उसका थोड़ा रिजल्ट मुझे दिख रहा है दोनों में। जैसे और थोड़े जल्दी उठ जाते हैं, ओके मतलब और ज्यादा शैतानी नहीं करते, थोड़ी कम हो गई है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। और और दूसरा कलर थेरेपी भी हम लोग ने, आपने हमें गाइडेंस किया था कलर थेरेपी के ऊपर, तो कलर थेरेपी भी मैंने कल अप्लाई किया था। एक्चुअली लास्ट वीक से ही मुझे करना था, संडे से मुझे थोड़ा संडे को रात से थोड़ा कफ एंड कोल्ड थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था। मंडे एकदम, मतलब उसका जस्ट बिगिनिंग था। ट्यूसडे फुल डाउन थी। वेनसडे को फिर ऑफिस गई, आते वक्त मैंने स्केच पेन्स खरीदे मेरे लिए, बिकॉज घर पे बहुत सारे स्केच पेन्स थे। ये दोनों सब स्केच पेन बॉक्सेस खराब कर देते हैं, तो मैंने खुद के लिए मेरा खरीदा। और नेक्स्ट डे घर आने के बाद मैं तो भूल गई थी फिर से करना है मुझे कलर थेरेपी के, तो मैंने नेक्स्ट डे फिर से कलर सारे अप्लाई किए घर जा। और नेक्स्ट डे मतलब मेरे इतनी एनर्जी डाउन थी कि मैं मुझे ट्रेन से ऑफिस जाना पड़ता है, लोकल ट्रेन से या फिर बस से, तो लोकल ट्रेन और बस से भी मुझे जाने की कोई एनर्जी नहीं थी, तो मैं सीधा ऑटो करके ऑफिस पहुंची थी। लेकिन ऑफिस जाने के बाद मैंने तुरंत कलर्स अप्लाई किए और इतना हेडेक हो रहा था, बॉडी पेन हो रहा था, मुझे पता नहीं था सारे अप्लाई करेंगे या नहीं, पर मैंने सारे अप्लाई कर लिए थे एक एक टेक्निक, हेडेक के लिए, बॉडी पेन के लिए। एंड हेडेक हो रहा था इसलिए कंसंट्रेशन नहीं होगा, इसलिए कंसंट्रेशन वाला भी अप्लाई किया था। तो ऐसे मैंने तीन कलर थेरेपी साइमल्टेनियसली अप्लाई किए थे, बट विद इन एन आवर मुझे थोड़ा हेडेक कम हो गया और विद इन 3 आवर्स हेडेक फुल बंद हो गया था एंड बॉडी पेन भी वैसे ही कम हो गया था। वाओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इतना अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था मैं 4 साल, मतलब आज ही सुबह मैं ऑटो से आई थी क्या, ऐसे लग रहा था। मतलब और वो फ्रेशनेस मुझे आज भी थोड़ा महसूस हो रहा है, पर कोल्ड इतना जल्दी तो जाएगा नहीं। कोल्ड के लिए मैंने आज भी अप्लाई किया था कलर थेरेपी वाले कलर्स, तो आज अभी सोने से पहले फिर से अप्लाई करके सो जाऊंगी। वेरी गुड वेरी गुड।